आइए आज कक्षा 10 के विद्यार्थी संस्कृत में पांचवा पाठ विद्यार्थी चर्या के अंतिम श्लोक 9 और 10 पढ़ेंगे। सर्वं पर्वसं दुःखं सर्वमात्मोवसं सुखम् एतद् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयो एकाकी चिन्तये नित्यं विविक्ते हितमात्मनः एकाकी चिन्तया नो हि परम श्रेयोधिगच्छति। ये आपके दो श्लोक। अब सर्वप्रथम तो शब्दार्थ जान लीजिए। सर्वम माने हर प्रकार से, परवसम माने परतंत्रता गुलामी, दुखम माने दुख, सर्वम माने हर प्रकार से, आत्मवसम माने अपने बस अर्थात स्वतंत्रता, और सुखम माने सुख। एतद माने इस प्रकार, विद्यात माने जानना चाहिए, समासेन माने संक्षेप से, लक्षणम माने लक्षण, और सुख दुखयो माने सुख दुख का। एकाकी मतलब अकेले, चिंतये चिंतन करना चाहिए, नित्यम सदैव, विविक्ते मतलब एकांत में, हितम आत्मना अपना कल्याण चाहने वाले को, एकाकी अकेले, चिंतयाना चिंतयानो चिंतन करने वाला ही निश्चित रूप से परम श्रेय पूर्ण कल्याण को अधिगच्छति माने प्राप्त करता है। ये आपका शब्दार्थ हो गया। आइए प्रस्तुत श्लोक में कवि ने सुख क्या है और दुख क्या है इसके लक्षण बताए हैं। कवि कहता है कि पूर्णतः हर प्रकार से दूसरों के अधीन होना ही सबसे बड़ा दुख है, और पूर्ण रूपेण अपने अधीन होना सबसे बड़ा सुख है। अर्थात परतंत्रता ही सबसे बड़ा दुख है और स्वतंत्रता ही सबसे बड़ा सुख है। इस प्रकार से संक्षेप में सुख और दुख का लक्षण जानना चाहिए, ऐसा कवि का कथन है। पुनः अगले श्लोक में कवि का कथन है कि अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को सदैव एकांत में अकेले बैठ करके चिंतन मनन करना चाहिए। अपना कल्याण चाहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अकेले एकांत में बैठ करके ही सदैव
चिंतन मनन करना चाहिए। निश्चित रूप से अकेले बैठ करके चिंतन मनन करने वाला विद्यार्थी ही पूर्ण कल्याण को, परम कल्याण को प्राप्त करता है। इसलिए विद्यार्थी को भीड़ भाड़ से अलग एकांत में बैठ करके चिंतन मनन करना चाहिए। ये आपका पांचवा पाठ समाप्त हो गया। अब आ जाइए थोड़ा सा व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लीजिए। समासेन में तृतीय विभक्ति एक वचन है, सुख दुखयो इसमें षष्ठी विभक्ति दो वचन है, और चिंतायेत धन नित्यम, चिंतायेत धन नित्यम इसमें अनुनासिक संधि हो गई है। चिंतायेत चिंत धातु विधलिंग प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, और विविक्ते में सप्तमी विभक्ति एक वचन है, और अधिगच्छति में आधि उपसर्ग लगा करके गम धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इस प्रकार से ये आपकी व्याकरणात्मक टिप्पणी हो गई। ये लिख लीजिए और इसके आगे अब कक्षा 10 के विद्यार्थी जिनके पास संस्कृत की बुक हो उन विद्यार्थियों से हम चाहेंगे कि संस्कृत गद्य में कौन कौन से पाठ आपके पाठ्यक्रम में हैं वो कोई विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप पर डाल देगा या हमें फोन करके बता देगा कि सर जी ये पाठ हैं, हम अपनी बुक से मिला लेंगे और फिर वही पाठ आपको गद्य में पढ़ा दिए जाएंगे। तो ये जरूर कर लीजिएगा जिससे जानकारी हो जाए तो आपको वो गद्य में भी कुछ पाठ पढ़ा दिए जाए। बस आज इतना ही, और आज से पद्य के लिए जय हिंद।